गिटार तो बहुत अच्छा बजा लेते हो, मुझे भी सिखाओगे तुम? आपकी आंखों में इन मचलते हुए अरमानों को देखकर भला मैं कैसे मना कर सकता हूँ? बताइए, कब से सीखना है? आज से, अभी से। और बदले में मुझे क्या मिलेगा? जो तुम चाहो। हेलो जी डॉक्टर साहब, दुनिया भर के डॉक्टरों का इलाज कराने के बाद फिर एक देसी इलाज करवाया और फट से गोद भर गई। अच्छा। हाँ, आप चाहें तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। सच सच बताओ, तुमने उस दिन मेरे जूस में क्या मिलाया था? क्यों, क्या हो गया? डॉक्टर की कॉल आई थी मुझे और उन्होंने मुझे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी गोद भर गई। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? पिछले 2 महीने से तो मेरे हस्बैंड यहाँ है ही नहीं। ये बात भी सही है। तुम बताते हो या नहीं बताते हो? क्या मिलाया था तुमने उस दिन? वो छोड़ो कि क्या मिलाया था। जो काम इतने महीनों से चाचा नहीं कर पाया, आपके भतीजे ने कर दिखाया। मैं तेरा खून कर दूंगी। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, वरना उस दिन बेहोशी की हालत में, आज होश में ही डालूंगा। तेरी इतनी हिम्मत! अगर बाहर किसी को पता चल गया ना तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी किसी को, समझी? और एक बात और, तेरे जैसे लोगों के लिए ना यही सजा है। चल निकल। चाची। बेटा उसने मेरे साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी खराब कर दी है। तुम्हारे चाचा को पता चलेगा ना तो वो हमारा गला दबा देंगे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। सुनो, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। एक काम करते हैं, इससे पहले कि तेरे चाचा आते हैं हम लोग अबॉर्शन करा लेते हैं। यानी कि मेरे साथ भी और चाची और दीदी के साथ भी।